मिस्टर अमन वर्क्स इन अ फैक्ट्री, अमन नाम का आदमी एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, वेयर वेजेज आर पेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, नॉर्मल रेट पर आवर 100, एक घंटा खटने का उसको कितना पैसा मिलेगा 100 रुपया, नॉर्मल पीस रेट 20% मोर देन टाइम रेट, पीस का रेट टाइम रेट से 20% ज्यादा है, टाइम के हिसाब से जो भी उसको मिल रहा है पीस के हिसाब से उससे 20% ज्यादा मिलेगा, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पर आवर 12 यूनिट्स, एक घंटा में कितना बनना है 12 यूनिट 12 पीस, अमन प्रोड्यूस्ड 96 यूनिट्स इन अ डे ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटा खट के कितना यूनिट बना दिया 96 यूनिट्स, कैलकुलेट हिज वेजेज फॉर द डे अंडर टाइम बेसिस पीस रेट बेसिस, 2 मेथड से निकालना है, टाइम के हिसाब से और पीस के हिसाब से। तो देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वेजेज, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वेजेज अंडर टाइम बेसिस पीस बेसिस भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो देखिए जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको अपने हिसाब से सिंपल फॉर्म में हम लोग बना लेंगे। तो टाइम बेसिस के हिसाब से जितना घंटा काम किया है इनटू रेट पर आवर होता है, पीस के हिसाब से जितना पीस प्रोडक्शन किया है इनटू रेट पर पीस होता है। इसका मतलब हमको चाहिए रेट पर आवर कितना दिया हुआ है 100 रुपीज, रेट पर आवर कितना दिया हुआ है 100 रुपीज, रेट पर यूनिट कैसे निकलेगा, तो सम्स में क्या बोला है कि पीस रेट इज 20% मोर देन टाइम रेट, टाइम के हिसाब से हमको जो भी मिल रहा है उससे 20% ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब 100 रुपया का 120% 120 रुपया, पीस के हिसाब से कितना मिलेगा 120 रुपया, टाइम अलाउड पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए कितना समय हमको दिया जा रहा है 12 मिनट्स, एक यूनिट बनाने के लिए कितना समय दिया जा रहा है 12 मिनट दे रहे हैं, मतलब 12 मिनट में हम एक यूनिट बना रहे हैं, देयरफोर प्रोडक्शन पर आवर, एक घंटा में हम कितना बनाएंगे, तो एक यूनिट बनाते हैं 12 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना बनाएंगे 5 यूनिट, एक घंटा में कितना पीस बनेगा 5 यूनिट, एक वर्कर को एक घंटा खटा के उससे हम 5 यूनिट बनवाते हैं और उसको मजदूरी देते हैं 120 रुपया पीस के हिसाब से, देयरफोर रेट पर यूनिट, एक यूनिट का हम तब कितना दे रहे हैं 120 रुपया डिवाइडेड बाई 5 24 रुपया, एक यूनिट का कितना दे रहे हैं हम 24 रुपया। अब सम्स में बोला है अमन प्रोड्यूस्ड 96 यूनिट्स इन अ डे ऑफ 8 आवर्स, प्रोड्यूस्ड 96 यूनिट्स बनाया है इन अ डे ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटा में, इसका मतलब वो कुल कितना घंटा काम किया है 8 घंटा, और कितना यूनिट बनाया है 96 यूनिट। अब हम लोग से पूछा है टोटल वेजेज किस मेथड में, टाइम रेट के हिसाब से टोटल वेजेज कैसे निकलता है, देखिए आवर्स वर्क्ड इनटू रेट पर आवर, आवर्स वर्क्ड इनटू रेट पर आवर, कितना घंटा काम किया देखो आप 8 घंटा, रेट पर आवर एक घंटा का कितना मिल रहा है उसको रेट पर आवर 100 रुपया, तो उसको 8 घंटा का कितना मिलेगा 800 रुपया। और फिर दूसरा क्या पूछा हम लोग से, पीस रेट बेसिस पे
टोटल वेजेज, तो टोटल वेजेज पीस रेट में फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। अब देखिए आप कितना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, 96 यूनिट्स, इनटू रेट पर यूनिट कितना है, 24 रुपीस, कितना हो जाएगा, 2304 रुपया। क्लियर है?